हीट ट्रांसफर का वीडियो नंबर 8 या हमारा इसमें आर्टिकल्स है, संयुक्त चालक की तुल्य ऊष्मा चालकता इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ कंबाइंड कंडक्टर, यानी कि दो कंडक्टर कंबाइंड हैं यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो उनकी तुल्य ऊष्मा चालकता क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम आर्टिकल्स पहले बना चुके हैं, यानी कि दो चालक हैं, एक चालक की लंबाई L1 है, दूसरे की L2 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A है, इसका ऊष्मा चालकता गुणांक K1 इसका K2, सिरों के ताप θ1 इसका θ2 और संयुक्त ताप θ है तथा उसमें जो ऊष्मा t समय तक प्रवाहित की जा रही है, तो वहाँ से हमने ऊष्मा के प्रवाह की दर h फाइंड की थी। ठीक है, क्या फाइंड किया था? ऊष्मा के प्रवाह की दर। तो ऐसे हमने किया होगा, यानी कि इस वाले में ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर इसमें, इसमें अगर h1 h2 मानते हैं तो भी वो आपस में इक्वल कर दी गई थी, तो ऊष्मा के प्रवाह की दर h बराबर q / t। तो इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेट बनाएगा पहले में q इक्वल टू k a होता है, यानी कि k1 a एंड θ1 माइनस का θ इंटू टी q / t, टी से टी कैंसिल हो गया होगा अपॉन L1, q / t इंटू टी रहा होगा, टी से टी कैंसिल हो गया, दूसरे में बना होगा एंड θ माइनस का θ2 अपॉन L2। ठीक है, तो इन दोनों को इक्वल करने के बाद, जैसे इसको इक्वल एक मैं राइट कर रहा हूँ, पहले मैंने इसको इक्वेशन वन माना था, इसे इक्वेशन टू माना था और इनको इक्वल किया था, इक्वल करने के बाद थीटा का वैल्यू फाइंडिंग किया था, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो देखिएगा K1A θ1 माइनस का θ अपॉन L1 इक्वल टू K2A θ माइनस का θ2 अपॉन L2, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे K1A L2 θ1 माइनस का θ इक्वल टू K2A L1 एंड θ माइनस का θ2, ये हो जाएगा K1A L2 θ1 माइनस का K1A L2 θ इक्वल टू K2A L1 θ माइनस का K2A L1 θ2। यहाँ से हम संपर्क करेंगे, थीटा वाले को एक साइड कर लेते हैं, इनको एक साइड ले लेते हैं, K1A L2 θ1 प्लस K2A L1 θ2 इक्वल टू K2A L1 θ प्लस K1A L2 थीटा, थीटा अगर हम कॉमन लेते हैं तो K2A L1 ए भी कॉमन आ जाएगा। ठीक है, थीटा इंटू ए K2L1 प्लस K1L2, तो यहाँ पे ए जनरली कॉमन होगा, K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ2, ए से ए कैंसिल होगा, ताप थीटा इक्वल टू यानी संपर्क ताप K1L2 θ1 प्लस K2L1 θ2 अपॉन L1 प्लस K1L2, ये आया था हमारा संपर्क ताप थीटा, ये पहले आर्टिकल में किया होगा। ठीक है, के थीटा का मान मैं यहाँ पे रख देता हूँ या यहाँ पे रख देता हूँ तो दोनों में से कोई एक एच आ जाएगा ऊष्मा के प्रवाह की दर। ठीक है, तो इससे हम ऊष्मा के प्रवाह की दर निकाल पाएंगे, और एक है कंबाइंड चालक में ऊष्मा के प्रवाह की दर, उन दोनों को क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। ठीक है, उन दोनों को इक्वल कर दिया जाएगा, कुछ और तो इसमें कॉमन नहीं आ रहा है शायद, हाँ कुछ और इसमें कॉमन दिख नहीं रहा है, तो माइनस प्लस का तो कोई डिफरेंट नहीं है, ये साइन इधर प्लस में गया, ये इधर आगे प्लस में आया, हाँ ठीक है सब सही है। थीटा का मान यहाँ पे पुट कर देते हैं, एच का मान निकल आएगा K1 है, पहले वाले में पुट कर रहा हूँ अपॉन L1 θ1 माइनस थीटा का मान ये रहा है K1 L2 θ1 प्लस K2 L1 θ2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2, एच इक्वल टू K1 AY L1 ये K2 L1 प्लस K1 L2, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे K2 L1 θ1 प्लस K1 L2 θ1 माइनस K1 L2 θ1 माइनस K2 L1 θ2 K1 L2 θ1, इससे ये टर्म कैंसिल हुआ, एच बराबर K1 AY L1, ऊपर से K2 L1 कॉमन निकाल लेते हैं, K2 L1 θ1 माइनस का θ2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2,
ठीक है, तो H11 से L1 कैंसिल हुआ, H इक्वल टू आएगा K1 K2 A थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। ये आ गया H संयुक्त चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर। ये इतना मैंने पहले भी किया है, थीटा भी निकाला है, एक आर्टिकल में हुआ है, परंतु ये संयुक्त चालक के लिए अगर करते हैं तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तो या फिर इसको फिर से ड्राइव करके लिखें, क्योंकि अगर आर्टिकल्स आता है तो ये पूरा पूरा लिखना ही पड़ेगा। तो यानी एच इक्वल टू हमारा आ चुका है K1 K2 A थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन K2 L1 प्लस K1 L2। K1 K2 से यहाँ पर डिवाइडिंग कर देते हैं नीचे, तो ये हो जाएगा A A A चल रहा है ना, हाँ A चल रहा है थीटा 1 माइनस थीटा 2 अपॉन K2 L1 अपॉन K1 K2 K1 L2 अपॉन K1 K2 K1 K2 को नीचे ले आए या K1 K2 से डिवाइडिंग कर दिया, आंसर हर में एक ही बात है, K1 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये K2 से K2 कैंसिल हुआ, K1 से K1, ये बचता है L1 बाई K1 एंड L2 बाई K2। तो H इक्वल टू आ गया A थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। तो चालक में ऊष्मा प्रवाह की दर, ये भी वही बात है, इसको केवल हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, एच इक्वल टू K1 K2 A बाई, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट था और ये वही एक ही है, परंतु फॉर्मेट इस तरह से आर्टिकल इस वाले फॉर्म में आ रहा है, तो जिस फॉर्म में आर्टिकल आ रहा है उसी फॉर्म में उसको रखना भी होता है, ठीक है। अब अगर कंप्लीट चालक है, कंप्लीट चालक का इससे लेकर आप थीटा 1 है, इसका थीटा 2 है, लंबाई L1 प्लस L2 है, कंप्लीट चालक का अगर ऊष्मा चालक का गुणांक हम क्या मान लेते हैं, के मान लेते हैं, पूरा एक चालक मान लो उसको, और ऊष्मा चालक का गुणांक उसका के है, तो ऊष्मा प्रवाह की दर उसकी और इससे कंपेयरिंग करा देते हैं। यदि संयुक्त चालक का ऊष्मा चालक का गुणांक गुणांक के है, तब ऊष्मा प्रवाह की दर H इक्वल टू क्यू अपॉन टी रहा होगा, तो के थीटा 1 के थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्यू में क्या बनता है, के थीटा 1 माइनस थीटा 2 इंटू टी बाई एल, है ना, तो क्यू क्यू इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस का थीटा 2 इंटू टी, तो एच इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो गया होगा, अपॉन एल, एल की जगह L1 प्लस L2। तो ये कंडीशंस हमारी आ जाती है, एक ऊष्मा चालकता मान लिया, मैं इसको इक्वेशन तो मुझे लग रहा एक दो मानी थी, ये नहीं मानी शायद, ध्यान नहीं रहा, मैं सपोज इसको कोई इक्वेशन मान लेता हूँ एच का, और एक ये है हमारी, तो मेरा ध्यान नहीं रहा इससे पहले मैंने मानी कि नहीं मानी इस आर्टिकल में, सपोज मानी हो तो आप इसको दो, एक दो मानी हो तो तीन चार कर देना, नहीं मानी तो इसको 1 2 रहने देना, ठीक है। तो ये आया संयुक्त चालक के लिए एच का मान, और ये मैंने आर्टिकल्स इस वाले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग निकाला है, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं तो के का मान निकल आएगा, संयुक्त चालक का उसमें चालक का गुणांक हमारा के फाइंडिंग करना है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 पर 2 से दोनों के एच के मान हम कर देते हैं इक्वल, यानी इनको कंपेयरिंग करा देते हैं, तो यह हुआ ए थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन L1 वाई K1 प्लस L2 अपॉन K2 इक्वल टू के ए थीटा 1 माइनस का थीटा 2 अपॉन L1 प्लस L2। तो ए से ए कैंसिल हो गया, थीटा 1 माइनस थीटा 2 ये भी टर्म कैंसिल हो जाता है, उसके बाद जो टर्म बचता है ये हो गया 1 अपॉन L1 वाई K1 प्लस L2 अपॉन K2 इक्वल टू के अपॉन L1 प्लस L2, यानी K इक्वल टू हो जाएगा L1 प्लस L2 अपॉन L1 वाई K1 L1 वाई K1 प्लस L2 अपॉन K2। ये आएगा संयुक्त चालक का ऊष्मा चालक का गुणांक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो रोड जुड़ी हुई थी, यानी कि दो चालक जिसके लंबाई L1 L2, ऊष्मा चालक का गुणांक K1 K2 थे, उनको जोड़ा गया था, तो उसमें कंबाइंड ऊष्मा चालक का गुणांक यानी कुल ऊष्मा चालक का गुणांक, ठीक है, उसका के का मान आया L1 प्लस L2 अपॉन समथिंग। यदि इसी प्रकार यदि n चालक छड़े जुड़ी हैं, चालक छड़े जुड़ी हैं,
जिनकी लंबाइयाँ L1, L2, L3, डॉट 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 LN है, उसमें चालक द्रव्यमान K1, K2, K3 है, जिनकी लंबाइयाँ L1, L2, L3, डॉट 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 LN और उसमें चालकता गुणांक K1, K2, K3, डॉट 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 KN है। तो संयुक्त चालक का उस संयुक्त चालक का तुल्य उसमें चालकता गुणांक कि तुल्य ऊष्मा चालकता गुणांक के इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस डॉट 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 प्लस L3 प्लस डॉट 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 LN हो जाएगा अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2 प्लस L3 बाई K3 प्लस डॉट 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 प्लस LN बाई KN। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर n चालक जुड़े हुए हैं तो ये आर्टिकल सी हुआ। ये दो चालक के लिए था, सपोज एग्ज़ाम में तीन चालक के लिए दे दें और L1, L2, L3, तो दो को भी प्रूफ कर देंगे और तीसरा जो है इसी तरह से बना देते हैं।